दोस्तों, पूरी दुनिया में हर साल न जाने कितने भूकंप यानी अर्थक्वेक आते होंगे, इसका अंदाजा है आपको? नहीं। वेल, द नेशनल अर्थक्वेक इन्फॉर्मेशन सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। और अगर हम एक दिन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 55 अर्थक्वेक हर रोज आते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा भूकंप किस कंट्री में आते हैं, तो आप में से 90% लोगों को पता होगा कि जापान एक ऐसी कंट्री है जहां हर साल अप्रोक्सीमेटली 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। लेकिन फिर भी जापान की तरक्की बिल्कुल नहीं रुकती, और भूकंप के अलावा जापान में सुनामी और एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद है। जापान में भूकंप से बचने के लिए इस तरह की बिल्डिंग बनाए जाते हैं जो भूकंप आने पर भी नहीं गिरते। ये टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की है। दरअसल बिल्डिंग्स के पिलर्स में एक कमाल का स्ट्रक्चर मशीन फिट किया जाता है। अगर भूकंप आया भी तो ये स्ट्रक्चर हिलने लगता है, लेकिन बिल्डिंग्स अपनी जगह से नहीं हिलती। वैसे आज मैं आपको एक ऐसी और टेक्नोलॉजी इन्वेंशन के बारे में बताऊंगा जो अर्थक्वेक से लोगों की जान बचा सकते हैं, और ये इन्वेंशन प्राउडली मेड बाय इंडियन है। पुलकित आहूजा, जो कि प्रॉक्सी कंपनी के फाउंडर और CEO है, उन्होंने एक खास तरह का बेड बनाया है जो भूकंप से लोगों की जान बचा सकता है। दुनिया में कई प्रकार के सिस्टम और टेक्नोलॉजीज है, लेकिन उनमें से हम भूकंप से पूरी तरह से नहीं बच सकते। वहीं इंडिया के इन्वेंटर पुलकित आहूजा ने ये बेड इन्वेंट किया है। ये बेड खासकर ऊंची इमारतों में रहने वाले, बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है जो भूकंप आने पर लिफ्ट या सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर सकते। मान लो अगर कोई इंसान 10वीं मंजिल पर है तो भूकंप आने पर सीढ़ियों का उपयोग अपने बचाव के लिए नहीं कर सकता। हो सकता है ऐसा करने पर उसकी जान चली जाए। चलिए अब बात करते हैं कि ये बेड आखिर काम कैसे करता है। दरअसल ये बेड सेंसरी बॉक्स से जुड़ा होता है, जिसमें एक्सेलेरोमीटर्स, सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, यूनिडायरेक्शनल टनल्स, मूवमेंट सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स की मदद से भूकंप का पता चल सकता है। जैसे ही इन सेंसर्स में भूकंप का पता चलता है, तब बेड में लगे मोटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बेड एक छाते की तरह ढक जाता है, जिससे ऊपर से गिरने वाली चीजों से बेड पर लेटा व्यक्ति बच सकता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि छाते की तरह दिखने वाली ये छत ऊपर से गिरने वाली भारी भरकम चीजों से इंसान को कैसे बचा सकती है। दरअसल ये छाते की तरह नाजुक नहीं होती। इस छत को कार्बन फाइबर से बनाया जाता है जो मजबूत होता है, और इसको इस तरह से बनाया गया है कि ऊपर कोई भी चीज गिरती है तो वह नीचे की ओर आ जाती है। उसके बाद जैसे ही भूकंप खत्म होता है, ये छत अपने आप बेड में वापस चली जाती है और बेड फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसके फाउंडर का कहना है कि इस छत के ऊपर 100 मेट्रिक टन जितना वजन 10 मीटर ऊंचाई से गिराकर टेस्ट किया गया है। इस बेड को बनाने में करीब $27,000 की कॉस्ट आई थी। इसका मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली $900 है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर किसी भी व्यक्ति का जवाब सही होगा तो अगले वीडियो में मैं उसका नाम अपनी वीडियो में लूंगा। सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। दोस्तों, ये कमाल का इन्वेंशन आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना न भूले। मिलता हूं इसी तरह के नए एपिसोड के साथ।